बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज़ द लेक्चर नंबर 1 ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। द रिकमेंडेड बुक फॉर द डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन इज़ बाय मॉरिस मैनो, सेकंड एडिशन। कोर्स डिस्क्रिप्शन आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। ये कोर्स बेसिकली जो है वो बेसिक टूल्स फॉर द डिज़ाइन ऑफ डिजिटल सर्किट्स को प्रेजेंट करता है और वो मेथड्स प्रोवाइड करता है और प्रोसीजर्स जो कि सूटेबल हैं फॉर द वैरायटी ऑफ डिजिटल डिज़ाइन एप्लीकेशंस के लिए। अब इसमें इसको डिजिटल नाम क्यों दिया गया? जितने भी कंप्यूटर्स आपके पास पहले थे वो बेसिकली न्यूमेरिक कंप्यूटेशंस को तो परफॉर्म करते ही थे, और उसको परफॉर्म करने के लिए डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि डिजिट्स को यूज़ करते थे। जब डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया गया, डिजिटल सिस्टम की मदद से डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो थे उनको मैनिपुलेट कराया गया। लेकिन डिफरेंस क्या आया? यहाँ पे मैनिपुलेशन के दौरान फाइनाइट सेट्स को यूज़ किया गया। फॉर एग्जांपल, द 10 डेसिमल डिजिट्स, द 26 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, 64 स्क्वेयर्स ऑफ चेस बोर्ड। टुडे आज के दौर के अंदर कंप्यूटर जो है वो बेसिकली वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ हो रहे हैं। उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं? सच एज साइंटिफिक कैलकुलेशंस, कमर्शियल, बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, स्पेस गाइडेंस, एजुकेशनल फील्ड अमंग अदर्स। ये वो तमाम तर फील्ड्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर जो है यूज़ हो रहे हैं हमारे पास, और बेसिकली डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन की मदद से मैनिपुलेशन करवाई जा रही है। अब अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस की बात करें, एज आई हैव अर्लियर डिस्क्राइब्ड इन क्लास कि साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशंस हैं जो कि परफॉर्म करवाए जा सकते हैं। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो 0 से 9 तक आपको डिस्प्ले करवाता है। उसमें बेसिक डिजिट्स होते हैं 0 to 9। अब ये जो 0 to 9 की लिमिटेशन आई है, हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दे ऑल आर द डिस्क्रीट डिजिट्स। लेकिन लिमिटेशन का मतलब क्या है? दैट इज़ अ फाइनाइट सेट। अब जहाँ पे डिस्क्रीट डिजिट्स जो हैं फाइनाइट सेट के तौर पे यूज हों, इट मीन्स दैट दैट इज़ अ डिजिटल सिस्टम, दैट इज़ अ डिजिटल सिस्टम। अब बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग की बात करें, बिजनेस के अंदर डाटा प्रोसेसिंग के अंदर मतलब डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात करें, उसमें डायग्नोस दिए जाते हैं एट सम एंगल। हर जगह पे डिस्क्रीट डिजिट्स यूज हो रहे हैं लेकिन फाइनाइट सेट्स की फॉर्म के अंदर। डिजिटल कंप्यूटर्स ने बेसिकली साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एडवांसेस को पॉसिबल बनाया है, और इवन दैट अनअटेनेबल को भी, यानी कि जो हमारे लिए अनअटेनेबल ही नहीं थी, उन कैलकुलेशंस को भी, उन साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एडवांसेस को भी पॉसिबल बना दिया डिजिटल कंप्यूटर्स ने। कंप्यूटर जो बेसिकली है वो फॉलो करता है एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को, जिसको प्रोग्राम का नाम दिया जाता है। वो प्रोग्राम जो है वो बेसिक ऑपरेट होता है गिवन डाटा के ऊपर। जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर इज़ द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ अ डिजिटल सिस्टम। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें टेलीफोन स्विचिंग एक्सचेंजेस, डिजिटल वोल्ट मीटर्स, डिजिटल काउंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स एंड डिजिटल डिस्प्लेज इंक्लूड। टेलीफोन स्विचिंग एक्सचेंजेस कैसे हमारे पास डिजिटल सिस्टम के अंदर आ सकती हैं? नंबर ऑफ टेलीफोन सेट्स, नंबर ऑफ़ कॉल्स, नंबर ऑफ़ मैसेजेस, नंबर ऑफ़ चैनल्स, ये तमाम तर चीज़ें टेलीफोन स्विचिंग एक्सचेंजेस जो है इनको मॉनिटर कर रही हैं, और वहाँ पे ये शो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनाइट डिस्क्रीट डिजिट्स की फॉर्म। डिजिटल वोल्ट मीटर की बात करें, वोल्ट मीटर बेसिकली वोल्टेज लेवल को मैयर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मैयर करता है। वो सर्किट जिसका आपने पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज मैयर करना होता है, डिजिटल वोल्ट मीटर की मदद से आप उसको मैयर करते हैं, और ये डिजिटल वोल्ट मीटर जो है आपको उसकी एग्जैक्ट रीडिंग यानी कि एग्जैक्ट मैयरमेंट जो है डिजिट्स की फॉर्म में शो कर देता है। फॉर एग्जांपल,
किसी भी घर के अंदर मेन स्विच जहाँ पे सर्किटिंग बनी होगी वहाँ पे एक डीसी वोल्ट मीटर लगा होता है जिस पे वोल्टेजेस शो हो रहे होते हैं कि भाई इस टाइम आपके घर के अंदर 210, 220, 230 वोल्ट्स जो है वहाँ पे शो हो रहे हैं। ये जो 210, 230 की वैल्यू वहाँ पे शो हो रही होती है डिजिट्स की फॉर्म में, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट डिजिट्स, इन द फॉर्म ऑफ फाइनाइट सेट्स। डिजिटल कंप्यूटर्स और डिजिटल सिस्टम के टॉपिक को में अगर हम इंट्रोडक्शन करवाएं तो डिजिटल सिस्टम की करेक्टरिस्टिक है कि इट्स मैनिपुलेशन ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सच डिस्क्रीट एलिमेंट्स में भी, अब उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं? इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, डेसिमल डिजिट्स, लेटर्स ऑफ एन अल्फ़ाबेट, आपको पता है वो भी 26 हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, दे आर ऑल्सो फाइनाइट। पंक्चुएशन मार्क्स, दे आर ऑल्सो फाइनाइट। और एनी सेट ऑफ मीनिंगफुल मीनिंग्स, ये तमाम तर जो हैं वो डिजिटल सिस्टम में इंक्लूड हैं और उसके भी आगे फर्दर डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड है। डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन खुद जो हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट करवाए जाते हैं डिजिटल सिस्टम में बाय द हेल्प ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड सिग्नल्स। कॉल्ड सिग्नल्स, वोल्टेजेस एंड करंट्स आर द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वोल्टेजेस एंड करंट्स आर द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इनको हम मैयर करते हैं वोल्टेज को और करंट को मीन लेवल से पीक लेवल पे। यहाँ पे भी हमारे पास बेसिकली वोल्टेज और करंट लेवल जो है वो दो डिजिट्स के दरमियान ही शो करवाया जाता है। अगर वो मीन पे है तो 0, अगर वो पीक पे है तो ये 1। सिग्नल इन द प्रेजेंट डे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम हैव ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज, जो बात अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, एंड आर सेट टू बी बाइनरी। उनको बाइनरी डिजिट्स का नाम दिया जाता है, 0 एंड 1। बियॉन्ड द डिजिटल कंप्यूटर, इसके अलावा अगर बात करें डिजिटल डिवाइसेस जिसमें कैमकॉर्डर्स है, डीवीडीज हैं, टीवीज, फोन्स, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइसेस, दीज आर बियॉन्ड द डिजिटल कंप्यूटर। वाई डिजिटल सर्किट्स, क्यों डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का मतलब कि उसके अंदर जो डिजिटल सर्किट्स डिज़ाइन किए जाते हैं, क्यों डिजिटल सर्किट्स? बेसिकली डिजिटल डिवाइसेस आर प्रोग्रामेबल, प्रोग्राम के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर आप प्रोग्राम के अंदर सिंपली चेंज लेके आए तो वही सेम हार्डवेयर जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ हो सकता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जो हार्डवेयर एक प्रोग्राम उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो गया तो वो सिर्फ उसके लिए ही मैनिपुलेशन शो करवाएगा। नो, आप प्रोग्राम को चेंज करें, वही हार्डवेयर डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ हो जाएगा। इसी तरह एडवांसेस इन डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, टेक्नोलॉजी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डीवीडी, सीडी, सीडी के बाद डीवीडी एडवांस आ गया। अब वो बेसिकली एडवांसेज जो है दैट इज डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। डिजिटल सिस्टम्स आर इंटरकनेक्शंस ऑफ डिजिटल मॉड्यूल्स। डिजिटल सिस्टम बेसिकली एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है इंटरकनेक्शंस ऑफ डिजिटल मॉड्यूल्स की। जितने भी डिजिटल मॉड्यूल्स मौजूद हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट करवाया जाता है थ्रू द डिजिटल सिस्टम। अब डिजिटल मॉड्यूल्स क्या हैं? लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मे बी ओपन और मे बी क्लोज्ड। जब ओपन और क्लोज की बात की जाएगी तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी टर्म ओपन को और क्लोज को विद द हेल्प ऑफ अ डिस्क्रीट डिजिट 0 एंड 1। इफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज क्लोज्ड इट मीन्स करंट इज फ्लोइंग, और करंट जब फ्लो करेगा तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? 1। इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज ओपन इट मीन्स दैट नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमारे पास आउटपुट जो है वो आउटपुट क्या जनरेट होगी? दैट वुड बी 0। इट मीन्स ओपन से लेके क्लोज तक पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो इन्हीं दो बाइनरी डिजिट्स के अलॉन्ग है, 0 और 1 के। वो सर्किट जो इन बाइनरी डिजिट्स के अलॉन्ग आउटपुट शो करे दैट इज़ नोन एज डिजिटल सर्किट, जिसको लेटर ऑन अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। थैंक यू।